कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मेला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केंद्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और आज ये संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, वहीं 3 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 60,000 पक्के आवास बनाए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 27,000 हितग्राहियों के खाते में आवास की पहली किश्त के रूप में राशि डाली जा चुकी है। मोदी की सभी गारंटी तेजी के साथ पूरी की जा रही है। आज कोरबा नगर निगम सहित विभिन्न निकायों के 16 करोड़ रुपए से अधिक के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद नगरी निकायों को विकास के लिए हम लगातार राशि स्वीकृत कर रहे हैं। नगरों के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज आवास मेले का भी आयोजन कोरबा जिले का हुआ है। कोरबा जिले में अब तक 60,000 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। अभी 31,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास की और स्वीकृति मिली है। 27,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में पहले किस्त की राशि जारी हो चुकी है। संरक्षित जनजातियों को भी जनमन योजना से प्रधानमंत्री आवास लगातार मिल रहा है, बन रहा है। आज हमने गृह प्रवेश भी कराया है चाबी देकर, वनाधिकार पट्टे भी बांटे हैं और आवास मित्रों की नियुक्ति भी की है ताकि ये जो प्रधानमंत्री आवास बनने के काम में गति आए। तो निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक है। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम प्रारंभ कर दिया है। डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम हो रहा है।